और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के प्रवास पे है और राजधानी थिम्पू में उनके स्वागत में जो भव्य समारोह आयोजित किया गया है उसमें भूटानी हिंदी के उपरांत गुजराती गीत भी बजाया गया है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध गुजराती गरबे का गीत है, वा वाया ने वादल उमटया, उसके ही राग पे, उसके ही सुर पे, लेकिन जो लिरिक्स है वो बदल दिए गए हैं और उसमें प्रधानमंत्री का हम भूटान में स्वागत करते हैं यह भाव वाले लिरिक्स उसमें बिठाए गए हैं। गौरतलब है कि जब प्रधानमंत्री ने भूटान में प्रवेश किया तब उसके बाद जो विविध तरीकों से उनका स्वागत किया गया उसमें भी एक सरप्राइज नृत्य उनके समक्ष पेश किया गया जिसमें भूटान के ही युवा लड़का लड़की है वो सब गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस में ड्रेस उन्होंने पहने थे और हाथ में उनके दांडिया थे। गुजरात का दांडिया डांस बहुत ही प्रसिद्ध है और जो गरबा का गीत यह दांडिया नृत्य पेश करने के लिए जो बजाया गया, जो तैयार किया गया था वो गीत प्रधानमंत्री ने खुद ने जो एक गरबा लिखा है, गरबा सॉन्ग, वही गरबा उसका इस्तेमाल किया गया, यह दांडिया डांस जब पेश किया भूटानीज यूथ्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। बिल्कुल उनकी जो गरबा दांडिया की जो डांस मूवमेंट्स थी और उनका जो ड्रेस था और दांडिया चलाने का उनका तरीका सब कुछ मानो ऐसा था, मतलब इतना ही तो उन्होंने ये प्रैक्टिस रिहर्स किया होगा, इतने दिलो जान से इसकी तैयारी की होगी कि ये सब ऐसा था कि जैसे कोई गुजराती लड़के लड़कियां ही जब मानो ये गरबा या रास का डांस कर रहे हो उसी तरह का ये पूरा फ्लेवर था। प्रधानमंत्री ने भी खूब एंजॉय किया इसको, वो हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आखिरकार तो उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी है, काफ़ी गीत भी गरबा के लिखे हैं, उसमें से ही ये गरबा का गीत था।